दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कस्टम यूआई और स्टॉक एंड्रॉइड की और जानेंगे कि इन दोनों में से कौन सा सिस्टम आपके फोन के लिए सबसे बेहतर होता है और सबसे पहले कोशिश करेंगे ये समझने की कि आखिर कस्टम यूआई स्टॉक एंड्रॉइड से कितना अलग है। सो गाइस बहुत कुछ है इसके बारे में जानने और समझने को, तो वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरज, आप देख रहे हैं डीटेक, आइए जानते हैं। दोस्तों अगर आप में से कोई भी निकट भविष्य में एक एंड्रॉइड स्मार्टफोन परचेस करने की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए ये टॉपिक और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि स्टॉक एंड्रॉइड और यूआई के बीच डिफरेंस समझने से आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि आपको कौन सा फोन परचेस करना चाहिए। तो ये सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्टॉक एंड्रॉइड और कस्टम यूआई होता क्या है। दोस्तों अगर हम बात करें कस्टम यूआई की, तो कस्टम यूआई का मतलब होता है, एकदम सिंपल वे में समझिए कि कस्टम यूआई का मतलब होता है एक यूजर इंटरफेस जिसको कस्टमाइज किया गया है, मींस वो ओरिजिनल यूजर इंटरफेस नहीं है। अब यहां आप पूछोगे यूजर इंटरफेस क्या होता है, तो यूआई का ही फुल फॉर्म होता है यूजर इंटरफेस। अब अगर हम यहां यूजर इंटरफेस को सही से समझे तो यूजर इंटरफेस का सही से मतलब होता है कि वो चीज जो यूजर्स के साथ इंटरैक्ट करती है, कोर चीज कुछ और है, कोर सिस्टम कुछ और है, जो सहूलियत यूजर्स को मिलता है और जिस माध्यम से मिलता है उसको कहते हैं हम यूजर इंटरफेस। तो आप अगर देखोगे तो लॉन्चर्स सही मायनों में हमसे इंटरेक्ट करती है जब आप फोन चलाते हो, तो उस केस में वो लॉन्चर ही आपका यूजर इंटरफेस होता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कस्टम यूआई की, तो कस्टम यूजर इंटरफेस। अब उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि यूजर इंटरफेस आखिर होता क्या है। अब यहाँ पे जब इसको कस्टमाइज किया जाता है तो वो कुछ इस तरीके से आपके सामने आता है अलग अलग यूआई के रूप में, चाहे ऑक्सीजन यूआई की बात करें या सौमी एमआई यूआई की। तो गाइस ये होते हैं यूआई। वहीं दूसरे तरफ स्टॉक एंड्रॉइड क्या होता है, स्टॉक एंड्रॉइड वो यूजर इंटरफेस होता है जो गूगल खुद बना के देता है, जो आपके नीड के हिसाब से नहीं बल्कि एक सिंपल सिस्टम के आधार पे बना हुआ होता है जो हर किसी यूजर को समझने और जानने के लिए आसान होता है। उसमें आपको बहुत सारे ब्लोटवेयर नहीं मिलेंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा, सिंपल एक यूजर इंटरफेस मिलेगा एकदम सटीक, और उसमें ज्यादा कुछ आपको कस्टमाइजेशन देखने नहीं मिलेगा और ना ही आपको ऑप्शन मिलेगा कस्टमाइज करने का। अब इससे हम जान चुके हैं कि कस्टम यूआई और स्टॉक एंड्रॉइड होता क्या है, लेकिन बड़ी बात ये कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। शुरू करते हैं कस्टम यूआई से। कस्टम यूआई अगर आपने यूज किया है, जो कि मुझे उम्मीद है आप में से सबने कभी ना कभी उसको एक बार देखा या यूज किया ही होगा, तो आपको ये चीज पता लगा होगा कि कस्टम यूआई में आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शन मिलते हैं जो आपको नॉर्मल एंड्रॉइड स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिलता, जैसे कि फंड्स को चेंज करना, थीम को रेगुलरली चेंज करना, अपने हिसाब से आप थीम्स और एप्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, उनके लोगों को चेंज कर सकते हैं, एक थीम का अलग से ऐप आपको हर कस्टम यूआई में दिख जाएगा जहां से आप हजारों थीम को सेलेक्ट कर सकते हैं, ये सारी फैसिलिटी आपको एंड्रॉइड में नहीं मिलती। बहुत सारे डिफरेंस में से एक डिफरेंस ये भी है कि आपको स्टॉक एंड्रॉइड में कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर नहीं देखने को मिलता। आप में से कोई भी अगर स्टॉक एंड्रॉइड फोन यूज कर रहा होगा तो उसके साथ ये समस्या जरूर आई होगी, लेकिन अमूमन चाइनीज कंपनी कॉल रिकॉर्डिंग का फैसिलिटी देती है। चाइनीज कंपनी क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ज्यादातर कस्टम यूआई का यूज चाइनीज कंपनी ही करती है। दोस्तों वही थीम चेंज करने के साथ साथ आपको कस्टम यूआई में बहुत सारे अदर ऑप्शन भी मिल जाएगा, लेकिन वो ऑप्शंस आपको स्टॉक एंड्रॉइड में देखने को नहीं मिलेगा। तो गाइस ये एक मोटा मोटा ओवरव्यू है जो आपको समझने में हेल्प करेगा कि आखिर कस्टम यूआई और स्टॉक एंड्रॉइड होता क्या है। बात करते हैं इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज की, क्योंकि अल्टीमेटली एडवांटेज और डिसएडवांटेज ही तय करता है कि कौन सा बेहतर है और कौन सा खराब, और यही चीज आपको आने वाले वक्त में फोन परचेस करने में भी हेल्प करेगा। तो सबसे पहले जानते हैं इसके एडवांटेजेस के बारे में। शुरुआत करते हैं स्टॉक एंड्रॉइड के एडवांटेजेस से। यहां पे अगर आप स्टॉक एंड्रॉइड का फोन यूज करते हो तो जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेन फीचर यहां पे जो मिलता है वो मिलता है रेगुलर अपडेट्स। आपको रेगुलर सिक्योरिटी अपडेट मुहैया होगी, तकरीबन हर महीने आपको एक सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा ऑन एन एवरेज, और ये बहुत हद तक डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, लेकिन 1 से 2 महीने के गैप पे आपको सिक्योरिटी अपडेट यहाँ मिल जाएगा। अब इसी सीरीज में अगर हम बात कर रहे हैं अपडेट्स की, तो यहाँ पे एक और जो जरूरी अपडेट आपको मिलता है स्टॉक एंड्रॉइड के साथ वो ये है कि 2 साल तक का आपको OS, जो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका मेजर अपडेट आपको मिलेगा। मीन सिक्योरिटी अपडेट के अलावा अगर कोई मेजर अपडेट एंड्रॉइड लेके आता है, जैसे कि एंड्रॉइड 10 से एंड्रॉइड 11 या 11 से 12 में अपडेट होता है इन 2 सालों के दौरान, तो वो अपडेट भी आपको डायरेक्टली आपके फोन पे मिलेगा। स्टॉक एंड्रॉइड के ये कुछ बहुत ही बेहतरीन फीचर्स हैं। दूसरी जो चीज है जो मुझे या बहुत सारे यूजर्स को पसंद आती है वो आती है इसका क्लीन लुक। आपको बहुत सारे ब्लोटवेयर्स नहीं मिलते, इजी टू यूज है, समझने में, जानने में और सीखने में टाइम नहीं लगता। आप बहुत यूज टू होते हो इसके मेन्यू ट्रे से, एप्स कहाँ पे प्लेस्ड हैं, सेटिंग्स क्या क्या है, इन सब चीजों से आप यूज टू होते हो, क्योंकि आपने जब से फोन यूज करना स्टार्ट किया है। अगर आप बहुत पुराने यूजर
यूजर भी हो, यानी कि जावा ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइम से भी अगर आप यूज करते हो फोन्स को, कीपैड फोन्स में जो ऑपरेटिंग सिस्टम आती थी अगर आपने फोन्स को वहां से इस्तेमाल करना चालू किया है, तो ऐसे केस में भी आप स्टॉक एंड्रॉयड को बड़ी आसानी से यूज कर सकते हो। यहाँ पे इसकी ये मेन खूबी है, क्योंकि इसका जो लुक होता है, इसका जो यूजर इंटरफेस होता है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही जेन्यून और बहुत ही प्रैक्टिकल टाइप में अप्लाई किया होता है। तो आपको सेटिंग्स पता होते हैं क्या कुछ है, आपको पता होता है कि कौन सा ऐप कहाँ मिलेगा, आपको पता है कि फीड कहाँ पे है, आपको पता है कि इंस्टॉल और अपडेट कैसे करते हैं। तो बहुत सारी चीजें आपको इसमें मिलती है जो आपको कस्टम यूआई में थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, खासकर उन लोगों के लिए जो नए स्मार्टफोन यूजर्स है, जो क्लास 10 के स्टूडेंट्स है, जो क्लास 8 के स्टूडेंट्स है, या फिर जो क्लास 11 12 के स्टूडेंट्स है, उनके लिए एक बहुत ही ज्यादा ईजी चीज होता है स्टॉक एंड्रॉइड को समझना, क्योंकि वो यूज टू होते हैं इससे। गाइस ये तो था एक यूजर एक्सपीरियंस के हिसाब से कि आपको स्टॉक एंड्रॉइड कैसा फील देता है और क्या कुछ सिक्योरिटी के हिसाब से मिलता है। अब बात करते हैं डिवाइस के पर्सपेक्टिव में। डिवाइस के पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्टॉक एंड्रॉइड बहुत ही एक लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है गाइस, अगर आपको नहीं पता हो तो आप जान लो। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है? ओपन सोर्स का मतलब होता है कि इसमें कस्टमाइजेशंस के अपार ऑप्शंस होते हैं, मींस बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आप इसको कस्टमाइज करके कुछ भी बना सकते हो। और इसी ओपन सोर्स फीचर का यूज करके कंपनीज अपनी यूआई को इसमें प्लांट करती हैं और इसको पूरी तरीके से कस्टमाइज करती है, मींस एंड्रॉइड फीचर को पूरी तरीके से ढक देती है और अपने कस्टमाइज्ड यूआई को इसमें डाल देती है, जो आपको मिलता है Xiaomi और Oppo या फिर Vivo या फिर OnePlus के फोन्स में। तो यहीं पे सबसे बड़ी चीज आती है स्मार्टफोन्स के लिए कि जो कि एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही लाइट होता है, बहुत ज्यादा हैवी वेट नहीं होता है, तो स्मार्टफोन के हार्डवेयर को बहुत ज्यादा ईजी होता है, बहुत ज्यादा सहूलियत मिलती है उसको चलाने में। आप अगर स्टॉक एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हो और अगर आपका फ्रेंड या फिर घर में कोई यूआई फोन है, कस्टम यूआई फोन है, तो आप अगर उन दोनों के रैम मैनेजमेंट को देखोगे तो आपको स्टॉक एंड्रॉइड में अमूमन जनरली रैम मैनेजमेंट काफी अच्छी दिखेगी, बशर्ते आपकी रैम क्वालिटी दोनों ही फोन में अच्छी होनी चाहिए। तो रैम मैनेजमेंट अगर बेहतर होती है तो जाहिर सी बात है आपको यूजर एक्सपीरियंस भी बेहतर मिलेगा, फोन लैग नहीं करेगा। लेकिन वहीं अगर हम यूआई की बात करें तो हो सकता है कुछ यूआई आपके बहुत ही बेहतर चले, लेकिन गारंटी के साथ आप उसके लिए कुछ नहीं कह सकते। और लाइट वेट होने की यह भी फायदा है कि फोन की जो बैटरी है वो भी बहुत कम ड्रेन होती है, बहुत ही कम वो लेता है, क्योंकि बहुत सारे ब्लोटवेयर नहीं है जो बैकग्राउंड में रन होते रहते हैं, बहुत ही नीट एंड क्लीन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है स्टॉक एंड्रॉइड का। तो आपको जो बैटरी एफिशिएंसी मिलती है फोन की वो बहुत ज्यादा अच्छी मिलती है। अब आते हैं कस्टम यूआई पे। कस्टम यूआई के एडवांटेजेस क्या है? एज यूजुअल इसके नाम से आप जज कर पा रहे होगे कि इसका जो मेन एडवांटेज है वो इसका कस्टमाइजेशन ही है। अलग अलग कंपनीज अपने अपने हिसाब से एंड्रॉइड को कस्टमाइज करती है। अब यूजर के ऊपर यह है कि कौन से कंपनी का कस्टमाइजेशन ज्यादा बेहतर है। आपको MIUI पसंद आता है, आपको ऑक्सीजन OS पसंद आता है, आपको ओप्पो वीवो का कलर OS पसंद आता है, कुछ भी आता है। तो ये पर्सनली डिपेंड करता है आप पे कि आप कौन सा कस्टम यूआई प्रीफर करोगे। यहाँ पे कस्टम यूआई के केस में जो आपको मेन फैसिलिटी मिलती है उनमें से एक है आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो, आप थीम चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, थीम्स बहुत ही फ्रीक्वेंटली चेंज कर सकते हो, एकदम अलग लुक दे सकते हो फोन का। ये एक बहुत ही मेजर एडवांटेजेस है जो कस्टम यूआई पसंद करने वाले लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। इसी के साथ आपको और भी फीचर्स मिल जाती हैं, जैसे कॉल रिकॉर्डिंग की फीचर है। स्टॉक एंड्रॉइड में आप कॉल रिकॉर्डिंग के फीचर को यूज नहीं कर सकते, इसमें आप कॉल रिकॉर्डिंग अमूमन आपको मिल जाता है कस्टम यूआई के केस में। तो गाइस आप ये डिसाइड करो कि आप पैसे खर्च करके क्या लेना पसंद करोगे। तो गाइस ये थी पूरी जानकारी कस्टम यूआई और स्टॉक एंड्रॉइड के बीच। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा, इन्फॉर्मेशन इससे भी ज्यादा पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो। नीचे कमेंट बॉक्स में कोई सवाल और सुझाव हो तो कमेंट करना मत भूलना। मिलता हूं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।